हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड से जुड़ी आपके लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों, फटाफट से पूरी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती की परीक्षा जनवरी माह में आयोजित करवाई जाएगी, ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी जानकारी। दोस्तों, आगे राजस्थान पटवार भर्ती की तुरंत पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को ऑन जरूर कर दीजिए। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, दुरीना ऐप पर सभी कोर्सेज के ऊपर 18 तारीख रात 12 बजे तक भारी छूट मिल रही है। तो दीपावली का एक खास ऑफर था, लेकिन अब इसका टाइम बढ़ा दिया गया है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी देख लेते हैं। ये देखो, दैनिक भास्कर की खबर है दोस्तों, यहां पर आज ही न्यूज़पेपर में आई है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, पटवार भर्ती एक पद के लिए 305 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला। यहां पर दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट है। चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, बताया गया है कि सर्वाधिक 6.11 लाख ओबीसी के लिए आवेदन आए हैं और जनवरी में 6 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर दोस्तों आपके प्रवेश पत्र की बात की जाए तो देखिए इस पैराग्राफ में लास्ट में अपडेट है प्रवेश पत्र को लेकर। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों एक बात बताई गई है कि आपकी भर्ती परीक्षा में 13.49 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 4421 पद हैं, यानी कंपटीशन 305 विद्यार्थियों का है। ये देखो दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड के लिए बताया गया कि जनवरी में अलग अलग चरणों में परीक्षा होगी, इसके लिए संभवतः दिसंबर के अंत तक प्रवेश पत्र जारी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, दिसंबर महीने में आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए दिसंबर में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों टोटल 13.49 लाख विद्यार्थी एग्जाम में भाग लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है राजस्थान पटवार भर्ती की नई अपडेट आपके लिए। आगे भी दोस्तों इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी तुरंत आपके लिए सबसे पहले वीडियो आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉक टेस्ट फॉर दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एंड एसएससी सीपीओ। दोस्तों, अन अकेडमी के ऊपर यहां पर दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल और एसएससी सीपीओ के लिए मॉक टेस्ट हो रहा है। देखिए, 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक चलेगा। टोटल दो आपके टेस्ट हैं, एक दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का और एक एसएससी सीपीओ का। ठीक है, 20 नवंबर को एसएससी सीपीओ का फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, और अगले दिन 21 नवंबर को इसका एनालिसिस होगा। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ, इनका टाइम यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 23 नवंबर को दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए फुल मॉक टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, और उससे अगले दिन 24 नवंबर को एनालिसिस होगा दिल्ली पुलिस फुल मॉक टेस्ट का, जिसमें भी आपकी रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ सभी सब्जेक्ट की अलग अलग एनालिसिस की क्लासेज हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप इनरोल कर सकते हैं और पूरी जानकारी देख सकते हैं।